हथियार के भी यूज ना करी। जल्दी आवा कुल, ये तो बेहोश हो गई। गाड़ी में डाला, जल्दी गाड़ी में डाला। कौन है भैया? जल्दी चल, डाल डाल मार होकर के। माधुरी, माधुरी कुछ बोलो ना, माधुरी। डॉक्टर साहब सुनी ना, क्या हाल बा माधुरी के? हम लोग दवा कर रहे हैं, आप दुआ करें। केकरा का भेल? माधुरी घायल हो गई। कहा? ओके, बहुत चोट लगल बा, ओकर ओकर जान खतरा में बा दोस्त। अब सूझे न रह कौनो चारों तरफ अन्हार। ऐली शरण तोहार लेके असुवन के धार, सूझे न रह कौनो चारों तरफ अन्हार। जीवन मरण तोहरा हाथे, ए भोले ना जी हमरो बचाला, लागे न दाग हमरा माथे। हमरा माथे ए भोले, हे भोले।
हाँ ब्रो, ऑपरेशन सक्सेस हो गई। जय हो बाबा तमेश्वरनाथ। ई कैसन बाड़ी? अब खतरा से बाहर बाड़ी। सब हमार गलत सलाह के कारण भई बा यार। ना, सब हमारा कारण भई बा। रहते हम दारू पी के माधुरी के साथ बदतमीजी के सारा हाथ पार कर गई। हमरा से बहुत बड़ गलती हो गई। हम अपने आप के जीवन भर माफ ना कर सको। अरे ये हमके बराबर बताते रहे कि हमरे जान के खतरा बा, लेकिन हम सब झूठ समझनी, बस एकरा के भगावे के बारे में सोचनी। काश एक मिनट खातिर एकरा पर भरोसा कर रहती, बस एक बार एकरा एंगल से सोचल रहती। हिम्मत रखा यार, सब ठीक हो जाएगी। ना, कुछ ठीक ना हुई। हम बहुत बुरा आदमी बानी। अरे एगो लड़की मदद के खातिर अपन सुरक्षा खातिर हमरा पास आई और हम अरे का खाक सुरक्षा एजेंसी चलाई। कोई बात ना भाई, कोई बात ना। होश में आई तो माफी मांग लिया जाई। तू अपन आप के संभाल, ठीक बा। हेलो। हाँ बाबूजी। हाँ आनंद बेटा, कहाँ बड़ा तू? अब माधुरी कहाँ बड़ी? हॉस्पिटल में बनी। हॉस्पिटल? कहाँ? ठीक बा, हमने अभी आवता नहीं। ये सब कैसे भेल बेटा? बाबूजी, कुछ गुंडा लोग माधुरी के ऊपर हमला कर दिलस और फिर। माधुरी ठीक तो हो जाए ना? हाँ बाबूजी, ठीक तो बड़ी, लेकिन देखी ना अभी तक होश में नहीं आई। देखा, तू लोग जा, फ्रेश होके आ जाइया। जा। हाँ बेटा। जा बेटा। ठीक बा बाबूजी, माई तू ख्याल रखे। हाँ बेटा तू जा। पार्टनर चल। हमरा तब बुझाता ई सब एकर भाई के करतूत होई। हमेशा भड़कत काहे रहेला? तहरे भरस बनी केरिया खियाला जो सनम के हाथ में नसीब होगी। ई हम कहां बानी? ये कौन जगह बा? आप हॉस्पिटल में है, आपको चोट लग गई थी। हॉस्पिटल? हाँ बेटा, बहुत खुशी के बाद बा कि तहार जान बच गई बेटा। आप इन्हें पहचानती हैं? बेटा हम बाबूजी बानी, ये तहार माई बानी बेटा। पहचाना? आपका क्या नाम है? देखिए, अत्यधिक चोट लगने से इन्हें कुछ भी याद नहीं है। मुझे लगता है इनकी याददाश्त चली गई है। डॉक्टर साहब, लेकिन याददाश्त वापस आ जाए ना? कुछ कहा नहीं जा सकता, कभी कभी बहुत समय लग जाता है। खैर, मैं इन्हें नींद की इंजेक्शन दिलवा देता हूँ। अभी इनके दिमाग पर जोर देना ठीक नहीं है, इसलिए आप लोग अभी जाइए, ठीक है? लेकिन डॉक्टर, माधुरी की हालत में छोड़ के हमने कैसे जा सकता नहीं? हम लोग हैं, चिंता मत कीजिए। वैसे अटेंडेंट लोग यहाँ अलाउड नहीं है, आइए। माधुरी कोनो क्लाइंट नहीं की चाचा जी। एक दिन शाम के आनंद के घर लौटले पर वो घर में पहले ही से मौजूद रहे। आनंद का तो खुदे पता नहीं थे कि वो कौन है, कहां से आए भैया। अरे रोल हो गए जा तो माधुरी लगे के बा? बेटा घबरा मत, माधुरी ठीक बड़ी। हॉस्पिटल में अटेंडेंट के रुके के परमिशन नहीं खे, सिर्फ मिले के टाइम पर मिलल जा सकेला। लेकिन होश में तागल बड़ी ना बेटा, माधुरी की कुछ याद नहीं की का?
हाँ बेटा, उता अपना आपके बेटे की पहचान पावत। सर, आपका पेशेंट के साथ में क्या रिलेशन है? मैं उनका भाई हूँ। कोई आईडी प्रूफ? एक मिनट। ये मेरा आधार कार्ड है और ये मेरी बहन का। माता कल्याणी सिंह। सर, थाने पर फिजिकल वेरिफिकेशन हो गया है। ओके ओके, आई सी। सर, आप अपने सारे पेपर काउंटर पे जमा करवा दें और वहां से डिस्चार्ज स्लिप लेकर के आप उन्हें ले जा सकते हैं। एक मिनट सर। सर, जिन्होंने पेशेंट को एडमिट करवाया, जरा मैं उनको इन्फॉर्म कर दूं, आप उनसे मुलाकात कर लें। एक्चुअली मैं आपसे कहने ही वाला था, तब तक मैं अपना पेपर वर्क कर लेता हूं। ओके श्योर। ओके श्योर सर, श्योर सर, श्योर। ना होता तब अखबार में छपवा देता। नहीं अब ना ना, ये ठीक नहीं है। ओकर जान के खतरा बा और मुसीबत में पड़ जाएं। अरे भाई, तो फिर पता कैसे चली कि वो के रहे, कहां के रहे? हेलो, आनंद जी बोल रहे हैं? जी जी, हम आनंद बोल रहे हैं। वो माधुरी नाम के पेशेंट को जो आपने एडमिट करवाया था, उनको उनके रिश्तेदार लेने आए हैं। आप आ जाए हॉस्पिटल और उनसे मुलाकात कर ले। जी जी, हम अभी आते नहीं। काबिल? अरे वो माधुरी के रिलेटिव बड़े, उनके ले जाए खातिर हमने के हॉस्पिटल चले के पड़ी। अच्छा, माई बाबूजी, हम अभी आओ तनी। अरे जल्दी चल। हाँ हाँ, चल चल चल। मैडम जी, कहाँ है माधुरी के रिलेटिव? वो तो चले गए पेशेंट को लेकर। चले गए? जी। अरे, आपके हॉस्पिटल से फोन आया था कि उनके रिलेटिव मेरे से मिलना चाहते हैं। इस बारे में आप मैनेजर साहब से जाकर मिलिए। सर, वो लोग तो बिना मिले ही चले गए। कौन लोग? माधुरी के रिलेटिव। क्या, बिना मिले हुए चले गए? हाँ सर। पर उन्होंने ही तो मुझे बताया था आपको कॉल करने के लिए और बुलाने के लिए। सर, आपने तसल्ली से चेक तो किया था ना? हाँ हाँ। वो लोग सही लोग थे ना? हाँ, वो उनके रिश्तेदार थे और साथ में एक पुलिस वाला भी था। पुलिस वाला? सर, उन लोग की आईडी की एक कॉपी मिल सकती है? हाँ, क्यों नहीं, आप रिसेप्शन से जाकर के कलेक्ट कर सकते हैं। जी, थैंक यू। ओके, चल। वेलकम। जी, वो माधुरी जी जो थी, उनका आईडी और उनके जो रिलेटिव आए थे, उनका आईडी चाहिए। जी, अच्छा। थैंक यू। ये ला, सुना, तू घर जा, हमें जैसे ऑफिस जाए। हेलो ब्रो, भूल जा सब, हमनी के जितना फर्ज रहे निभाई नहीं, अब वो अपना घर चल गई, हमनी के कान आता रहे। भाई, एक ना एक दिन तो माधुरी के अपना घर जा ही के रहे ना, वो चल गई ली। सही कह रहे हो पार्टनर, बाखुदा अब तो मुझे कोई तमन्ना ही नहीं। पर ये क्या बात है कि दिल कहीं लगता ही नहीं। याद तुहर आवेला सनम दिन रात, याद तुहर आवेला सनम दिन रात। प्यार का होला है, प्यार का होला, हम तो जननी तोहरा गैला के बाद। याद तुहर आवेला सनम दिन रात, याद तुहर आवेला सनम दिन रात। तोहके एक पल सनम, जान अब ले ली, लाग तुहरा जुदाई के गम। मनवा अब तोहके रात दिन ना भूल पावेला,
अखिया ना देखे तो के लोरवा तब बहावेला अखिया से होता है अखिया से होता अब तो हमरा याद तो पहर बरसात याद तुहर आवेला आवेला सनम दिन रात याद तुहर आवेला आवेला सनम दिन रात तोहरा यही लासे बन गईल जिंदगी जहर जैसे तोहरा गई लासे नैना से ओझल हो के कहवा तू लुका गईलू हमके दीवाना काही अपन तू बना गईलू कब मिलन होई याद तुहर आवेला सनम दिन रात याद तुहर आवेला सनम दिन रात